वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड वेलकम टू हॉलीवुड। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप सबके? आई थिंक ऑलमोस्ट आप सबके प्री एग्जामिनेशंस फिनिश हो गए होंगे, क्लर्क राइट, एसबीए क्लर्क। आई थिंक आज कुछ लोगों का आज और है राइट, आज लास्ट है, आज और है कुछ लोगों का, आफ्टर दैट प्री एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। मीन्स के डेट का वेट थोड़ा सा अभी करना पड़ेगा बिकॉज 4 सेंटर्स थे जहां पर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो पहले उनका इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि वो एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे। आफ्टर दैट जैसे भी जो अपडेट मिलता रहेगा मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। चैट डिसेबल है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा वापस से। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लें, चैट का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है आपके सामने तो दिख रहा है ठीक। स्वामी विवेकानंद, नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, यू आर इन्फिनाइट एंड ऑल पावर्स इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल फॉर यू। स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स थे और डेफिनेटली गाइज ये करेक्ट है कि रियली वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू, बट एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं एंड एक्चुअली वी आर ऑलवेज रनिंग अवे फ्रॉम दैट एफर्ट्स। हम हमेशा उन्हीं से तो दूर भाग रहे हैं। अगर हम तैयार हैं एफर्ट्स लगाने के लिए तो हर एक चीज पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के बाद, एक नॉर्मल सा टॉक था। कल मैंने एक छोटा सा एक स्मॉल वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, काफी लोगों ने आपने देखा होगा। There was a small video and that video was based on that Reserve Bank of India issues the policy issues and announced to all the banks that they should give 10 days surprise leave to their bank employee. कुछ लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, कुछ लोगों ने शायद मिस किया हो। Surprise leave, जी हाँ, देखा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मुझको उस पर कुछ डाउट्स बच्चों के दिखे तो मैंने सोचा मैं क्लियर कर देता हूं। इट इज नॉट अ न्यू स्कीम, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। इट वॉज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एक्चुअली इन अप्रैल 2015 में ये पॉलिसी आरबीआई ने अनाउंस की थी टू कर्ब द फ्रॉड्स, बैंक फ्रॉड्स को रोकने के लिए। एसबीआई इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटिंग इट वेरी इफेक्टिवली। मतलब कल बहुत सवाल लोग पूछ रहे थे, सर विल दिस लीव विल बी गिवन टू क्लर्क और नॉट सर। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, सर क्लर्क को मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, सर पीओ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। तो दे हैव नॉट डिफाइंड एनी पोजीशन और ये कोई हॉलीडे पैकेज नहीं है दैट यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, कि आपको हॉलीडे पर भेजा जा रहा है यहाँ पर। इट इज द टाइप ऑफ बैंक इंक्वायरी इन एब्सेंस ऑफ यू इफ यू आर एम्प्लॉयर ऑफ इफ यू आर एम्प्लॉई ऑफ अ बैंक। तो बैंक यहाँ पर आपके पूरे वर्क की इंक्वायरी कर रहा है, तो इतना खुश मत हो 10 दिन की लीव लेकर, ठीक है। कुछ ना कुछ डाउट रहा होगा तभी आपको भेजा जा रहा है, डाउट नहीं भी रहा होगा तो आपकी बैंक आपके एब्सेंस में वो आपका टोटल वर्क एनालाइज करने वाले हैं, दैट वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग इन द बैंक, ठीक है। ये 10 डेज का सरप्राइज लीव सेंसिटिव, इसको कहा जाता है सेंसिटिव, सेंसिटिव लीव्स की कैटेगरी में इसको रखा जाता है अंडर द मैंडेटरी लीव रिक्वायरमेंट। पॉइंट क्लियर है, हाँ। सेंसिटिव पोस्ट वालों को, ये करेक्ट लिखा है गुंजन ने यहां पर, ये सेंसिटिव पोस्ट पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये पॉलिसी है, ठीक है, उनके लिए ये पॉलिसी है। यस यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, करेक्ट। चलो भाई आगे आ जाते हैं, आज के टीएनए में क्या होगा। पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स और गवर्नर्स का एक पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होगा गाइस, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई विल अपलोड इट इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। अगर आपने नहीं किया है
कल ग्रुप से डाउनलोड आपने तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर दीजिएगा। बाय द वे आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नर्स कंप्लीट पीडीएफ इन माय टेलीग्राम ग्रुप, तो अगर आपने नहीं किया है तो आज डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर लेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज होंगे, स्टेट इन न्यूज में हम उत्तराखंड को ही एक और बार आज कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा डोज में आज हमारा होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह जो भी हैं, जितने भी उन्होंने फैसिलिटीज रीसेंट टाइम में लॉन्च की हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। रिमेनिंग न्यूज आपके नॉर्मल होंगे, बुक्स एंड ऑथर्स आज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करके जाएं। यूपी ट्रिपल एस सी पी टी आईबीपीएस क्लर्क का भी हम क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क क्रैश कोर्स, ठीक है, तो उसके बारे में बता दूंगा। दूसरी चीज, आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन में जो एनआर है, नॉट रिपोर्टेड है, डरो मत उससे, सून बैंक्स आर गोइंग टू अनाउंस देयर वैकेंसीज। हाँ, सीक्वेंस क्या फिल करना है उसके लिए मुझे आज का टाइम और दे दो, बाय इवनिंग आई विल गिव यू वीडियो ऑफ 2 to 5 minutes, जस्ट 5 मिनट वीडियो रिलेटेड टू हाउ यू आर गोइंग टू फिल द वैकेंसीज, 5 to 10 मान लो, चलो यार 10 मिनट लॉक करते हैं, 10 मिनट से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 मिनट्स का वीडियो दे दूंगा दैट हाउ यू विल फिल द प्रेफरेंस एंड वाई, रीजन लगेगा ना वाई, अगर मैं बोल रहा हूं दैट पीएनबी शुड बी ऑन टॉप वाई, इफ आई एम सेइंग दैट बीओबी शुड बी ऑन टॉप वाई, तो वाई का आंसर देते हुए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन Who has been appointed as the resident grievances officer by Twitter? Twitter के द्वारा resident शिकायत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? विनय प्रकाश, जेरमी कैसल, मनीष महात्मे, स्फूर्ति प्रिया, परेश बी लाल। विनय प्रकाश, पक्का विनय, विनय से प्रकाश उजाले की ओर, जी हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर है विनय प्रकाश। जेरमी कैसल हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवेंसेज ऑफिसर फ्यू डेज बिफोर। जेरमी कैसल को कुछ दिन पहले ग्रीवेंसेज ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, बट द रीजन इज अकॉर्डिंग टू द न्यू आईटी रूल्स इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड लॉ दैट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर एंड ग्रीवेंसेज ऑफिसर They have to be resident in India, of India नहीं, in India. Their resident should be in India. भारत में होना चाहिए उनको, ठीक है। अब यहां पर दूसरे पॉइंट देख ले, तो विनय प्रकाश के बाद सेकेंड नेम आ रहा है आपके पास, मनीष महात्मे। मनीष महात्मे रिसेंटली अपॉइंटेड बाय WhatsApp एज द पेमेंट इन इंडिया। WhatsApp पेमेंट याद है, WhatsApp पेमेंट के लिए WhatsApp ने 5 बड़े बैंक्स के साथ कोलैबोरेट किया था, 5 बड़े बैंक्स के साथ कोलैबोरेट किया था, एंड WhatsApp पेमेंट्स के लिए मनीष महात्मे जी को अपॉइंट किया गया हेड। स्फूर्ति प्रिया और परेश बिलाल ये तो अच्छे से याद हो गए होंगे, स्फूर्ति प्रिया अपॉइंटेड बाय Facebook एंड परेश बिलाल अपॉइंटेड बाय WhatsApp एज ग्रीवेंसेज ऑफिसर। ये ग्रीवेंसेज ऑफिसर हो गए, ठीक है। हमारे घर में होते हैं ना ग्रीवेंसेज ऑफिसर्स, होता है इवनिंग टाइम या कभी भी आपके चाइल्डहुड में होता होगा कि आपके बड़े भाई, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर कि मम्मी मेरे को चींटी काट दिया, मम्मी मेरे ऊपर पानी डाल दिया, तो मम्मी बन जाती वहां पर ग्रीवेंसेज ऑफिसर। आप शिकायत ले लेके भागते हैं ना, बस वही ग्रीवेंसेज ऑफिसर इंडिया में भी चाहिए, और कुछ भी नहीं है, होता है जी, या आप लोग करते हो गए, मैं बोल रहा हूं कि मम्मी इसने ऐसा कर दिया, हो सकता है आप उनके साथ ऐसा करते हो, राइट। नेक्स्ट देखें सर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कोविड 19 विडो सपोर्ट स्कीम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने, इनमें से किस स्टेट ने, अच्छा पापा है घर में, ठीक है, ग्रीवेंसेज ऑफिसर, ठीक है, आसाम, ओके परफेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज आसाम। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट, आसाम रिसेंटली लॉन्च्ड 2.5 लाख वन टाइम असिस्टेंस, एक बार दी जाने वाली धनराशि है ये, वन टाइम असिस्टेंस टू द वुमेन हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपी, फैमिली इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपी एंड देयर हस्बैंड डाइड बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक,
सो गवर्नमेंट हैज गवर्नमेंट सेड एटलीस्ट 873 बेनिफिशरीज विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट. इसका बेनिफिट मिलने वाला है लगभग 873 बेनिफिशरीज को. अगला क्वेश्चन देखे सर, आसाम के बारे में आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आने वाले सेशंस में आसाम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे. इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया है. गेमिंग नहीं हो रही है, अदरवाइज आप लगा लो वन वर्ड इज क्रिप्टो अनादर इज गेमिक. तो क्रिप्टो और गेमिक कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड गेमिक होगा, वैसा कुछ भी नहीं है. क्रिप्टोगैमिक काई वगैरह जो जो आपका फंगी होता है, एल्गी होता है, मॉसेस होते हैं, वो गार्डन है ये. ठीक है, कहां पर इसको स्टार्ट किया गया है सर, वेयर इट इज स्टार्टेड, कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो देहरादून में ये गार्डन आपका स्टार्ट हुआ, देहरादून में आपका ये गार्डन स्टार्ट हुआ. अच्छा, देहरादून मतलब कौन सा स्टेट हो गया आपका? उत्तराखंड. उत्तराखंड की बात कर लेते हैं. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी. गवर्नर कौन है सर? गवर्नर है, नाम नहीं भूलोगे आप, पक्का है, बेबी. बेबी आगे बताओ, पूरा नाम बताओ, बेबी के आगे क्या है? सिर्फ बेबी बोल के नहीं रुक जाना है, नहीं तो इंटरव्यू में किसी दिन पूछा. हाँ, बेबी रानी, बेबी रानी मौर्या. यस, बेबी रानी मौर्या. तो ये हैं गवर्नर पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर हैं. वात्सल्य योजना रिसेंटली लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, रिसेंटली वात्सल्य योजना लॉन्च किया है उत्तराखंड ने फॉर प्रोवाइडिंग 3000 रुपी पर मंथ टू द ऑर्फन चाइल्ड बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक. कोविड के कारण जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए. इसके बाद मिशन हौसला लॉन्च किया था उत्तराखंड पुलिस ने ड्यूरिंग द पैंडमिक टू प्रोवाइड द सपोर्ट रिलेटेड टू वेंटिलेटर, प्लाज्मा, हॉस्पिटल, बेड एसेट्रा. घरों की पहचान चेलिक नाम 42 करोड़ रुपी की स्कीम स्टार्ट की गई थी उत्तराखंड में. वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्टार्ट किया गया है. वसीम जाफर अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम. गैरसैन एज द समर कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैरसैन एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. और होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, इट वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड. फर्स्ट मोज गार्डन, इंडिया फर्स्ट मोज गार्डन स्टार्टेड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. सोंग डैम 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देहरादून में स्टार्ट हुआ था. सूर्यधर लेक इन देहरादून इट इज लोकेटेड. लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोर्टेबल सस्पेंशन ब्रिज वॉज ऑल्सो इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड. हॉट बलून एयर फेस्टिवल भी आपका कहां पर होता है? उत्तराखंड में होता. तो ये सारे पॉइंट आपके रिलेटेड हो गए उत्तराखंड से. पॉइंट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030? क्या आंसर बन रहा है? उत्तर प्रदेश. तो यूपी जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. उत्तर प्रदेश ने न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस की है. अंडर दिस वन देयर इज अ वेरी डेंजर डिसीजन इन दिस पॉलिसी. द डिसीजन इज दोज हु विल नॉट फॉलो टू चाइल्ड पॉलिसी दे आर नॉट गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट जॉब्स इन साइड उत्तर प्रदेश और दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी. तो ये दो तीन चीजें काफी डेंजरस है. डेंजरस तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है चाइना वॉज देयर ऑन वन चाइल्ड पॉलिसी फॉर ईयर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. अभी अगर कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को तो ऐसी कोई स्कीम नेशनल लेवल पर होना चाहिए, स्टेट लेवल की जगह नेशनल लेवल पर ऐसी कोई स्कीम होना चाहिए ना. चाइना ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेटर परफॉर्म किया है इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया. इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो ऐसा लग रहा है 2025-26 तक जो है वर्ल्ड का
लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन जाएगा इंडिया इस ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं तो। गवर्नमेंट एग्जाम्स जी बिल्कुल है, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए आपके, इलेक्शंस हो गए, इनमें कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा ये कहा गया है। मिनिमम 2 नहीं है मेरे भाई विजय, ऐसा नहीं बोला है सरकार ने कम से कम 2 करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 2 बोला है विजय। इज थिंकिंग लाइक मिनिमम गवर्नमेंट ने बोल दिया कम से कम 2 करो नहीं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस बोला है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट इन न्यूज की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं पहला न्यूज रिलेटेड टू द रेलवे। रेलवे की बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे रेलवे से रिलेटेड, रेलवे का बजट भी देखेंगे, आफ्टर दैट ऑपरेटिंग रेशियो भी देखेंगे, व्हाट वाज द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ रेलवे, ये सारे पॉइंट्स हमारे रेलवे से रिलेटेड देखेंगे। पहले न्यूज पढ़ लेते हैं सर। राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम आसाम सिल्चर, आसाम सिल्चर रेलवे स्टेशन हैज रीच्ड, ये बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है पर इसको आराम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको बन जाएगा, वेंगई चुनापो रेलवे स्टेशन, वेंगई चुनापो रेलवे स्टेशन ऑफ मणिपुर। सो सिल्चर टू वेंगई चुनापो रेलवे स्टेशन ऑफ मणिपुर अ ट्रेन ट्रायल हैज कंप्लीटेड रिसेंटली एंड आफ्टर दिस ट्रेन ट्रायल मणिपुर केम ऑन The map of Indian Railway कि अब यहां पर Indian Railway का स्टेशन है जहां पर ट्रेन ट्रायल कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। तो ये आपका नया स्टेट जो एड हो गया इन द मैप ऑफ इंडियन रेलवे दैट इज मणिपुर। 11 किलोमीटर का ये ट्रैक है, सून इट विल बी स्टार्टेड फंक्शनिंग प्रॉपरली, अभी इनका ट्रायल कंप्लीट हुआ है, सून इट विल बी स्टार्टेड वर्किंग properly. After that, Wengi Chinapo Imphal railway line, Imphal railway line is also under construction. What once it will be completed, it will be the longest railway tunnel near Imphal. Manipur ke chief minister hai Biren Singh, governor Najma Hepatullah. Governor ka naam zarur se yaad rakhein. Chaliye, Indian Railway ki thoda sa baat kar lete hain. Railway ka budget इंडियन रेलवे बजट फॉर द ईयर 2020-21-22 इज 1.10 लाख करोड़, ये आपका इंडियन रेलवे का बजट है, 1.10 लाख करोड़ बजट हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, 1.10 लाख करोड़ बजट है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इट विल बी 2.15 लाख करोड़। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, हाउ इज इट पॉसिबल, बजट इज 1.10 एंड एक्सपेंडिचर इज 2.15, हाउ इज इट पॉसिबल। रेलवे अर्न इट्स ओन मनी, अपना पैसा भी तो कमाते हैं, तो दे विल यूटिलाइज देयर इनकम, अपने पैसे को जो उन्होंने फंड कमाया है उसका भी तो यूज करेंगे एक्सपेंडिचर में कि नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई द एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 2.15 लाख करोड़। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो, दैट व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ इंडियन रेलवे इन 2021-22 में इंडिया का ऑपरेटिंग रेशियो क्या रहेगा। अंजलि ने डेटा शेयर किया है, वेरी गुड अंजलि, इट विल बी इट वॉज लास्ट ईयर का आपने शेयर किया जो किया है आपने 98.4%, इट वॉज द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ 2020-21, ये 2021 का था। दिस ईयर प्रोजेक्शन इज 96.2%, ये गलत नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। दिस ईयर ऑपरेटिंग रेशियो विल बी 96.2%, लास्ट ईयर था 98.4%। सो दिस ईयर इट विल बी बेटर देन लास्ट ईयर और नॉट बेटर देन लास्ट ईयर, क्या लगता है? मतलब 96.2% ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 98 से बेटर है या नहीं है, बताओ आंसर, इज इट बेटर और नॉट, बता रहा हूं ना। फिर शुभम तुरंत पूछ रहे हैं सर पहले ऑपरेटिंग रेशियो तो बताओ सर, सर कहानी में पूछने लगे राजा कौन है, राजा की कहानी नहीं सुनाई,
बेटर है बेटर है बेटर है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान से सुन ले, 96.2% इज बेटर देन 98.4%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो इन अ वेरी सिंपल टर्म? टू अर्न 100 रुपी, टू अर्न 100 रुपी, हाउ मच एक्सपेंस रेलवे इज डूइंग, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो। वो कहलाता है ऑपरेटिंग रेशियो। If you started a business, in that business your input to earn profit, to earn your turnover is the operating ratio. ठीक है, तो operating ratio कम होना चाहिए, so your profit will be high. Am I clear? Clear है कि नहीं है? Clear? अभी माधुरी को समझ में आ गया होगा? No sir, not better. अभी समझ में आ गया? Yes, it is better. So operating ratio should be less. जितना कम, दैट मच मोर प्रॉफिट रेलवे विल जनरेट, दैट मच मोर इनकम रेलवे विल जनरेट। सिंपली 100 रुपी इनकम से आप कंपेयर करिएगा। क्लियर है? परफेक्ट, वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, न्यूज रिलेटेड टू कर्नाटका। कर्नाटका जैसे ही मैं बोलूं, फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन माइंड दैट इज हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। अच्छा, थावर चंद गहलोत वॉज ऑन विच मिनिस्टर पोजिशन इन मोदी 2.0 गवर्नमेंट? कौन सी पोजीशन पर थे सर ये पहले थावरचंद गहलोत? किस मिनिस्टर्स की, मतलब कौन सा मिनिस्ट्री था इनके पास? थावरचंद गहलोत के पास में कौन सा मिनिस्ट्री था? सोशल जस्टिस। लॉ मिनिस्टर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। अभी कौन है करंट में? अभी करंट में कौन है थावरचंद गहलोत जी के बाद में? कोई आइडिया? मैंने बता, मैंने सारे के सारे आप लोगों को करवा दिए हैं सर। कैन एमपी बिकम गवर्नर? यस मंजोत, एमपी कैन बिकम गवर्नर। फॉर दैट एमपी हैज टू रिजाइन, ही हैज टू रिजाइन। उनको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोजीशन से, है ना? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन से रिजाइन करने के बाद वो जो है गवर्नर की पोजीशन पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो यहां तक हो गया। लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू है, वीरेंद्र नाथ जी हैं, परफेक्ट। एमपी के मांगू भाई, छगन भाई, मध्य प्रदेश, एमपी के सबको याद है। वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, जी वीरेंद्र कुमार जी। मैं बोल रहा हूं पीडीएफ दे दूंगा आज आपको, डोंट वरी, मैं आज पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, तो पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वीरेंद्र कुमार जी। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूज पर आ जाए वापस, ये रिवीजन चलता रहेगा। अभी काफी दिन लगेंगे, अभी काफी दिन लगेंगे कि आपको पूरा कैबिनेट याद हो जाए, बट बिफोर मेंस एग्जामिनेशन याद करना पड़ेगा। विल रिवाइज इट, डोंट वरी, थोड़े दिन रिवाइज करते रहेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सर, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप 46 कैंपेगौड़ा हेरिटेज साइट लोकेटेड इन बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल, रूरल रामनगर, चिक्का बेलापुर, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट,
इन कर्नाटका। तो कर्नाटका ने आपके ये पांच डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, आपकी बेंगलुरु अर्बन हो गया, बेंगलुरु रूरल हो गया, रामनगर हो गया, चिक्काबेलापुर हो गया एंड तुमकुर, इन जगहों पर, इन फाइव डिस्ट्रिक्ट्स पर गवर्नमेंट ने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने 46 हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई किया। दे आर गोइंग टू डेवलप इट। द कॉस्ट विल बी अराउंड 223 करोड़ रुपी। कॉस्ट कितना होगा सर? 223 करोड़ रुपी। एंड अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज, व्हाई दिस डेवलप्ड, क्यों इसको डेवलप किया जा रहा है, अथॉरिटीज ने क्या बताया है कि क्यों इसको डेवलप किया जा रहा है? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा इज नोन एज द फादर ऑफ बेंगलुरु। ये काफी जगह पर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू इन बेंगलुरु, एनी इंटरव्यू इफ यू आर गिविंग इन बेंगलुरु, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कैंपेगौड़ा हु वॉज द फादर ऑफ कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा के फादर कौन है, सॉरी बेंगलुरु के फादर कौन है, हु वॉज द फादर ऑफ बेंगलुरु, सॉरी माई मिस्टेक, हु वॉज द फादर ऑफ बेंगलुरु, हु डेवलप्ड बेंगलुरु, बेंगलुरु किसने बनाया? तो ये दो पॉइंट आपसे कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो आंसर होता है कैंपेगौड़ा सर, कैंपेगौड़ा सर ने इसको बनाया था। ठीक है, मैं कहां गुम हो गया था, मैं कुछ पॉइंट देख रहा था इसीलिए मैं थोड़ा यहां वहां गुम हो गया था। आगे आ जाए अगले पॉइंट की तरफ, मैं थोड़ा सा क्या बजट की तरफ भी ध्यान दे रहा हूं कि आप लोगों का बजट रिवाइज होता रहे, बहुत रेगुलर बेसिस पे हर एक न्यूज में बजट के पास चले जाए, बजट हमारा रिवाइज होता रहे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड जस्टिस बताया तो बेटा आपको, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, ये हैं आपके सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी अब ये होंगे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नोट कर लें, पेन और पेपर उठा लें, नोट कर लेना वीरेंद्र कुमार जी का, मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है वहां से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा मेंबर फ्रॉम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, नोट कर लिया आपने अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं, उड़ीसा, और हम बात कर रहे हैं किस न्यूज की, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। सो जल जीवन मिशन पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा, 50,000 करोड़ रुपी इज द बजट एलोकेशन फॉर जल जीवन मिशन, 50,000 करोड़ बजट एलोकेशन है जल जीवन मिशन के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 3,323 करोड़ रुपी, 3,323 करोड़ रुपी इज द बजट एलोकेशन फॉर उड़ीसा गवर्नमेंट। फ्यू डेज बिफोर मैंने आपको बताया था, जस्ट फ्यू डेज बिफोर वी डिस्कस्ड अबाउट इट। अरे एक और पॉइंट रखा था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, एक न्यूज ही मिस हो गई एक। चलो तो हाँ, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एपी के लिए एक न्यूज मिसिंग हो गई, कोई बात नहीं। तो आंध्र प्रदेश के लिए मैंने बताया था कि आपके पास जो बजट एलोकेशन है वो आपका 32 है, उड़ीसा के लिए, तमिलनाडु के लिए 3,700 करोड़ रुपी तमिलनाडु के लिए है, और अभी आपका उड़ीसा का बजट एलोकेशन आ गया 3,300 करोड़, इट इज फॉर उड़ीसा, ये आपके पास है। इंडिविजुअली बहुत रेयरली पूछेगा, बेसिकली आपसे वो ईयरली पूछ सकता है कि ईयरली क्या है, टारगेट्स क्या रखे हुए हैं, व्हाट आर द टारगेट्स, 2024 तक कंप्लीट करना है जल जीवन मिशन को, राइट, विच स्टेट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, किन स्टेट्स में कंप्लीट हो गया है, तो गोवा में कंप्लीट हो गया पहला सर, सेकेंड इज तेलंगाना, राइट, तेलंगाना सेकेंड वन, थर्ड है आपका पुडुचेरी एंड फोर्थ वन इज अंडमान एंड निकोबार, ये फोर्थ वन है। 75% आपका टारगेट कंप्लीट कहां कहां पर हो गया है, पंजाब में कंप्लीट हो गया 75% टारगेट, एंड आफ्टर दैट दमन एंड दीव, तो ये यहां पर आपका 75% टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये डिटेल आपसे पूछी जा सकती इन द एग्जामिनेशन, बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर जाने से बेटर होगा कि वो आपसे ये पूछ लें कि कहां कहां पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन, अगले न्यूज पर आए, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी सर, इनका चेंज नहीं हुआ है,
बिल्कुल भी, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रीवियसली नितिन गडकरी सर वॉज होल्डिंग MSME मिनिस्ट्री ऑल्सो, पहले MSME भी होल्ड करते थे नितिन गडकरी सर. सो नाउ MSME मिनिस्टर, हु इज द MSME मिनिस्टर एट प्रेजेंट, अभी कौन है करेंट में MSME मिनिस्टर सर, तो नारायण तातू राणे सर, ये भी महाराष्ट्र से ही है, नारायण तातू राणे सर महाराष्ट्र से ही हैं, और इनको अभी दे दिया गया है MSME मिनिस्ट्री. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा आ जाते हैं बैक टू न्यूज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी सर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी एट प्लांट नागपुर इन महाराष्ट्र. नागपुर महाराष्ट्र में इंडिया का पहला इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट LNG फैसिलिटी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, कहां पर इनॉग्रेट हुआ, नागपुर में. इट इज डेवलप्ड बाय बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप. बैद्यनाथ की दवाइयां खाई हैं अभी सुबह सुबह, काफी लोगों ने चूरन वगैरह लिया होगा बैद्यनाथ का, आई नो दैट. सो बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप जो है दे डेवलप्ड इट, दे आर द मेकर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, नाउ दे वॉन्ट टू कम टू अदर सेक्टर्स एज वेल. सो LNG फैसिलिटी, फर्स्ट LNG फैसिलिटी प्लांट जो है ये किसने डेवलप किया है सर, ये बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप ने डेवलप किया है. कहां पर किया है, तो महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया गया है. क्लियर है पॉइंट यहां तक का, सुना बहुत है. अच्छा, चमनप्रास खाया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं सर. नेक्स्ट पॉइंट, NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग इंश्योरेंस एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड अ फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल फॉर द प्राइवेट सेक्टर लेंडर. एक्चुअली एक जॉब प्रोवाइडिंग प्रोग्राम है, एक टाइप का आपका मास्टर्स डिप्लोमा प्रोग्राम है, मास्टर्स डिप्लोमा प्रोग्राम इन टेक्निकल सेक्टर टू क्रिएट द टेक्निकल ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, टेक्निकल असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनाने के लिए तैयारी की जा रही है. तो ये किस बैंक के साथ कोलॉबरेट करके स्टार्ट किया जा रहा है फैसिलिटी को, एक्सिस बैंक. सो NIIT IFBI कोलॉबरेटेड विथ एक्सिस बैंक फॉर डिप्यूटी मैनेजर IT. मैंने को थोड़ा असिस्टेंट बोल दिया था, बच्चे उसमें भी डिप्यूटी अलग है असिस्टेंट, यस वो बोल दिया था गलती से. डिप्यूटी मैनेजर IT की पोजीशन के लिए दिया जाएगा. द ग्रेजुएट्स विल ऑफर 0 to 3 year एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एक्सिस बैंक एज डिप्यूटी मैनेजर. अमिताभ चौधरी इज द CEO, मुंबई इज द हेडक्वार्टर एंड बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी. आगे बढ़ते हैं सर, और एक और न्यूज आज का रिलेटेड टू एक्सिस बैंक, एंड एक्सिस बैंक को आज हम रिवाइज भी करने वाले हैं, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एक्सिस बैंक से रिलेटेड. पावर यहां पर चला गया है जैसा जाता रहता है, बहुत नॉर्मल है मध्य प्रदेश में पावर चला जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम भी नॉर्मली उसको लेते हैं. एक्सिस बैंक हैज साइंड MOU विद द इंडियन आर्मी ऑफरिंग अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज कॉल्ड पावर सैल्यूट. अब ये जो वर्ड होते हैं ना पावर सैल्यूट, सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा एग्जामिनेशन में, पावर सैल्यूट लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर आर्मी पर्संस. आर्मी पर्संस के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने जो है पावर सैल्यूट लॉन्च किया है, बस एक क्वेश्चन आ जाएगा आपसे पेपर में, सिंपल सा पॉइंट. ठीक है, तो पावर सैल्यूट लॉन्च बाय एक्सिस बैंक, अंडर इट एक्सिस बैंक इज प्रोवाइडिंग 56 lakh रुपी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 crore रुपी फ्री एडिशनल डेबिट कार्ड फॉर द फैमिली मेंबर्स, डेबिट कार्ड फॉर द फैमिली मेंबर्स, एडिशनल कवर, एयर एडिशनल कवर एंड 1 crore रुपए का एडिशनल एयर कवर एंड फ्री एडिशनल डेबिट कार्ड फॉर द फैमिली मेंबर. एक्सिस बैंक 1993 में बना था सर, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमिताभ चौधरी हैं. तो पावर सैल्यूट लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक, एक पॉइंट, पावर सैल्यूट लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक, पावर सैल्यूट लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक. रिसेंटली एक्सिस बैंक एंड मैक्स गोपा, अगले पॉइंट पर आ जाओ, एक्सिस बैंक से ही रिलेटेड है.
ठीक है, रिसेंटली एक्सिस बैंक एंड मैक्स बुपा कोलैबोरेटेड फॉर बैंक एश्योरेंस पार्टनर. सो व्हाट इज बैंक एश्योरेंस? व्हेन बैंक इज सेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी बाय यूजिंग द बैंकिंग चैनल दैट इज कॉल्ड बैंक एश्योरेंस. तो सिंपल पॉइंट, मैक्स बुपा कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसी? आंसर विल बी एक्सिस बैंक. मैक्स बुपा सीईओ इज कृष्णन रामचंद्रन. कृष्णन रामचंद्रन हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन द ईयर 2008. एक्सिस बैंक, अभी पूरा रिवाइज करवाऊंगा मैं, पूरा खत्म करेंगे आज एक्सिस बैंक की कहानी. अब मैं समझ रहा हूं आप सर ये एसबीआई कब आएगा, सर एसबीआई कब रिवाइज करेंगे? एसबीआई भी करेंगे, दो तीन दिन बाद करेंगे, दो तीन दिन बाद करेंगे एसबीआई, पूरा एसबीआई रिवाइज करेंगे. आज कर लेते हैं एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक लॉन्चेज शॉर्ट टर्म ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट कॉल्ड एक्सप्रेस एफडी फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय विच बैंक? एक्सिस बैंक. 50,000 to 90,000 रुपी का एफडी कैन बी डन ऑनलाइन. सेकेंड, राकेश मखीजा अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक कोलैबोरेटेड विथ जीप इंडिया टू लॉन्च जीप फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जीप इंडिया कोलैबोरेटेड ओनली विथ एक्सिस बैंक टू लॉन्च जीप फाइनेंशियल सर्विसेज. एक्सिस बैंक लिंक्ड विथ अमेजॉन वेब सर्विसेज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स. वियर एंड पे फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक. गाइस, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रीसेंट पॉइंट. पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रीसेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लेना. वियर एंड पे फैसिलिटी जो है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था. आफ्टर दैट ओरा क्रेडिट कार्ड लोडेड विद एफोर्डेबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन लॉन्च बाय एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक पार्टनर्ड विद रूपीफाई वीजा टू लॉन्च एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर एमएसएमई सेक्टर. एक्सिस बैंक लॉन्च्ड एस क्रेडिट कार्ड, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है. एक्सिस बैंक लॉन्च्ड एस क्रेडिट कार्ड. सो एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय विच बैंक? एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक विथ विस्तारा फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड विथ 16 करेंसी ऑन सिंगल कार्ड, 16 फॉरेक्स करेंसी को सपोर्ट करने वाला सिंगल कार्ड. टैगलाइन, बढ़ती का नाम जिंदगी. लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक. गिगा अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक ड्यूरिंग द पैंडेमिक. एक्सा फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक. एंड एक्सिस बैंक एक्वायर 29% एडिशनल स्टैक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड नाउ बिकेम अ पार्टनर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टर इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अभी अप्रोक्सीमेटली 30% का स्टैक आ गया एक्सिस बैंक का. तो ये पूरा का पूरा सर मैंने कोशिश की कि एक्सिस बैंक से रिलेटेड डेटा आपके सामने रखूं, बट कुछ लोगों को डेटा पसंद आता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ज़्यादा हो गया. ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पर आ जाते हैं. अगला पॉइंट आ जाते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक पर. ठीक, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है पे टू कॉन्टैक्ट फैसिलिटी. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, बस. तो पे टू कॉन्टैक्ट फैसिलिटी लॉन्च किया किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक. फ्यू डेज बिफोर सिमिलर फैसिलिटी लॉन्च बाय कोटक महिंद्रा एज वेल. कोटक महिंद्रा ने भी ये फैसिलिटी लॉन्च करी है कुछ दिन पहले. हाँ, हमने डिस्कस किया हुआ था इस बारे में. कोटक महिंद्रा ऑल्सो लॉन्च द सिमिलर फैसिलिटी. बिल्कुल करेक्ट है बिहारी, 100% करेक्ट है. कोटक महिंद्रा बैंक ऑल्सो लॉन्च पे टू कॉन्टैक्ट फैसिलिटीज फ्यू डेज बिफोर. नाउ एयरटेल पेमेंट बैंक हैज लॉन्च दिस फैसिलिटी. सो बाय यूजिंग द मोबाइल नंबर द फंड कैन बी ट्रांसफर्ड. अभी यूपीआई डालने का हेडेक नहीं है, यूपीआई आईडी याद रखने का डालने का हेडेक नहीं है. यू कैन ट्रांसफर दिस अमाउंट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ पे टू योर कॉन्टैक्ट फीचर. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट गाइस, यू शुड ऑलवेज कीप माय कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. कभी पैसे ज्यादा हो जाते हैं ना, दैट यार इन माय अकाउंट देयर इज मोर मनी,
पैसे बन नहीं रहे, मेरे अकाउंट से पैसा बाहर गिरने लगा है। कई लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं, यार बहुत पैसा हो गया है, अकाउंट में भी नहीं बन रहा है, अकाउंट से बाहर गिरने लगा है। ठीक है, तो ऐसा कभी हो तो फीचर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एयरटेल पेमेंट बैंक की और बात करें। सो गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक रिसेंटली दे लॉन्च्ड डिजी गोल्ड फैसिलिटी। क्या लॉन्च किया था इन्होंने? डिजी गोल्ड फैसिलिटी लॉन्च किया था इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद सेफ गोल्ड। सेफ गोल्ड के कोलैबोरेशन से डिजी गोल्ड फैसिलिटी लॉन्च किया था। इसके बाद सेकेंड है इनका रिवॉर्ड 123। रिवॉर्ड 123 फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। इसमें आपको क्या दिए जा रहे थे? कैशबैक वगैरह सेविंग अकाउंट पर। एयरटेल सेफ पे फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय एयरटेल। सुरक्षा सैलरी अकाउंट ये भी लॉन्च किया था किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू एक्सेप्ट 2 lakh rupees फ्रॉम द कस्टमर इन द सेविंग अकाउंट आफ्टर आरबीआई अलाउड पेमेंट बैंक दैट दे कैन होल्ड अप टू 2 lakh rupees फ्रॉम द कस्टमर्स। की जो मैक्सिमम बैलेंस है वो 2 lakh rupees 1 lakh से इंक्रीज करके 2 lakh कर दिया है, तो उस केस में जो है आपका उस केस में एयरटेल पेमेंट बैंक पहला बैंक था इंडिया का जिसने ये फैसिलिटी लॉन्च की सर, जिसने फैसिलिटी स्टार्ट की। ऑनलाइन कॉमर्स प्रोजेक्ट 188 बिलियन बाय द ईयर 2025 फ्रॉम 64 बिलियन इन द ईयर 2020। ऑनलाइन बिजनेस विल हैव ह्यूज मार्केट इन इंडिया बाय द ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे। Because of the pandemic, the people are habitual of doing the online shoppings. ये फिक्की का सर्वे, फिक्की, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. So according to the survey of फिक्की, because of the pandemic, now people are habitual to do online shopping only. They started using the e-commerce website more compared to before. अब छोटे-छोटे लोग भी use करने लगे. That is why there is a huge chances of growth ऑफ ऑनलाइन मार्केट इन इंडिया एट प्रेजेंट। 188 बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा बाय द ईयर 2025 एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मार्केट विल बी 3.8% इन द ग्रॉस जीडीपी ऑफ इंडिया बाय द ईयर 2025। 3.88% का कॉन्ट्रीब्यूशन इनका आ जाएगा टोटल जीडीपी में 2025 तक। बात कर लेते हैं फिक्की की। फिक्की की जब बात करेंगे तो दो चीजें आएंगी, फिक्की प्रेसिडेंट एंड फिक्की FLO, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट। फिक्की प्रेसिडेंट, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट मिस्टर उदय शंकर, मिस्टर उदय शंकर इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। हा भाई FLO का प्रेसिडेंट बताओ, फिक्की FLO प्रेसिडेंट। लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है? उजाला। लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है सर? उजाला। और अमीर लोग क्या होते हैं? अमीर लोग होते हैं सिंघानिया। ठीक है, हाँ तो उजाला सिंघानिया FLO जी, उजाला सिंघानिया जो है वो फिक्की FLO की चेयरपर्सन हैं। आगे बढ़े स्पोर्ट्स न्यूज। मैंने आपको कल कहा था, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने कल आपको कही थी कि दैट वी शुड कंपेयर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन, दैट हु इज द विनर, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन। देखेंगे वो आज लगेगी हाँ सर ने थोड़ा मेहनत की यार चार्ट बनाने में हमारे लिए, देन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक्स आफ्टर दैट। चलिए पहले तो स्पोर्ट्स न्यूज में स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट न्यूज से। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, बांग्लादेश क्रिकेटर मोहम्मदुल्लाह रियाद क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश, ही हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन द मिडल ऑफ बांग्लादेश
वन ऑफ द टेस्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे. मैच खेलते खेलते ऐसा होता है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है. कई बार होता है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बच्चे कुछ कर रहे होते हैं और फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है दैट वॉट यू आर डूइंग ये सब मिथ्या है, मोह माया है. तो इनको मैच के दौरान अचानक से लगा एंड ही सेड दैट नो आई एम टेकिंग द रिटायरमेंट. सो देयर वाज अ मैच इन द मिडल ऑफ मैच ही सेड दैट आई एम टेकिंग रिटायरमेंट इन हेरारो स्पोर्ट्स क्लब एंड इन 2009 ही स्टार्टेड हिज करियर. फॉर अस द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट मोहम्मदुल्ला रियाद बिलोंग्स टू विच कंट्री. द क्रिकेटर हु हैज अनाउंस्ड रिसेंटली द रिटायरमेंट ही बिलोंग्स टू विच कंट्री. आपसे ये पूछा जाएगा सर. ठीक, आंखें खुल गई जी. बिल्कुल बिल्कुल, बस वही वाली बात है, आंखें खुल गई वाली बात. नेक्स्ट पॉइंट देखें. नेक्स्ट पॉइंट, बीसीसीआई ने 7 मेंबर कमेटी बनाया है. यस्टरडे वी डिस्कस, जस्ट रिवाइजिंग इट टुडे क्विकली. बीसीसीआई मेड अ 7 मेंबर कमेटी टू लुक इनटू द कंपनसेशन पैकेज ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. लास्ट ईयर लीप ट्रॉफी एंड अदर ट्रॉफीज हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, नॉट हैज बीन कंडक्टेड. तो भारत के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट ट्रॉफीज होती हैं वो पिछले साल नहीं हो पाई. अब क्रिकेटर्स को फाइनेंशियल इश्यूज क्रंचेस ना आए उसके लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द जोन वाइज. देर आर बिग बिग प्लेयर्स अंडर इट लाइक रोहन जेटली, लाइक अभिषेक दालमिया, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इसमें हैं सर. विंबलडन अ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं मूड में तो मैं डेली रहता हूं, कभी कभी थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देता हूं. चलिए आगे आ जाते हैं. विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 विनर्स डिस्कस करने से पहले वन स्पेशल कैटेगरी, विंबलडन जूनियर मैन कैटेगरी गाइस, एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर 5-star रेटिंग के साथ हमारे लिए बनेगा. इन अदर इवेंट्स वी डोंट डिस्कस दिस जूनियर, हम कभी डिस्कस नहीं करते जूनियर वाले, नेवर एवर, दे आर नॉट इवन इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट टुडे इट विल बी इंपॉर्टेंट रीजन इंडियन अमेरिकन समीर बैनर्जी, इंडियन अमेरिकन है समीर बैनर्जी. सो ही वॉन द विंबलडन जूनियर मैन सिंगल टाइटल इन द कोर्ट और वाइल गिविंग द स्टेटमेंट ही वॉज सेइंग दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू विन वन राउंड, आई जस्ट वॉन्टेड टू क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल्स, आई वॉन्ट टू जस्ट क्वालिफाई फॉर द सेमी, आई नेवर थॉट अबाउट दैट आई विल विन द फाइनल्स, कि मैं फाइनल्स जीतूंगा. तैयारी ऐसी रखो, यहां से एक चीज अच्छी आई थी that you should keep your preparation so hard, so good that even you don't imagine, if you don't imagine for success, success will run behind for you, success will run behind you, आपके पीछे भागता रहे. ठीक, ग्रैंड स्लैम्स की बात कर लेते हैं डिटेल में तरीके से. सो ग्रैंड स्लैम्स दे आर द मेजर इवेंट इन द टेनिस. मेनली कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एनुअल टेनिस इवेंट्स में. फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन, सेकंड फ्रेंच, थर्ड विंबलडन, फोर्थ इज यूएस ओपन. राइट, तो यहां पर देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन इट इज कंडक्टेड ऑन हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट पर होता है मिड ऑफ जनवरी अप्रोक्सीमेटली. फ्रेंच ओपन होता है आपका जिसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस. इट इज कंडक्टेड ऑन क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट पर होता है ये मिड ऑफ मे जून अप्रोक्सीमेटली. विंबलडन यूके ओपन, ऑल्सो नोन एज यूके ओपन, ये ग्रास कोर्ट पर होता है मिड ऑफ जून जुलाई, जस्ट कंप्लीटेड. एंड द लास्ट वन इज यूएस ओपन, इट इज कंडक्टेड ऑन हार्ड कोर्ट. सो ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस दीज आर कंडक्टेड ऑन हार्ड कोर्ट. सो यूएस ओपन जो होता है आपका ये कब होता है, तो ये आपका सेप्टेंबर में होता है. यूएस ओपन जो है आपका ये आपका सेप्टेंबर में होता है. तो यहां तक पॉइंट क्लियर, डिटेल्स क्लियर हैं. विजय आई हैव टू चेक दैट द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन न्यूज, आई विल चेक इट, जस्ट पिंग मी ऑन टेलीग्राम, मैं देख लूंगा. तो हमारे पास सर पहले तो डिटेल्स हो गए, अभी आ जाते हैं हम मेन इवेंट पर. कैम ऑफ कर देता हूं मैं मेन इवेंट पर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल, एंड दिस टेबल कैन हेल्प यू वेरी क्लियरली
वेरी क्लियरली दिस टेबल कैन हेल्प यू टू रिमेंबर द विनर्स ऑफ मेजर थ्री इवेंट्स विच हैज बीन कंडक्टेड टिल डेट. ठीक है, टिल डेट. सो नोवाक जोकोविच, जोकोविच, जोकोविच. पहला टास्क तो खत्म. देखो इतना डिफिकल्ट काम था और पहला टास्क तो बहुत इजीली हो गया. मैन सिंगल आइदर ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, आंसर विल बी नोवाक जोकोविच. स्क्रीनशॉट ले लो जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो. हाँ, 2-3 days what we will be doing that we'll be keeping the screenshot or this one as a wallpaper on your mobile phone. Shonu, Babu, Mona, Shona, pick will be removed for next 2-3 days. 2-3 din ke liye pick hatayenge unka wallpaper pe se, and now we'll keep the this as a wallpaper for next 3 days. Check. Yes. So Novak Djokovic. After that women's, guys, women's mein yaad karna padega. ऑस्ट्रेलियन ओसाका, ऑस्ट्रेलियन ओसाका, फ्रेंच बारबोरा, ऑस्ट्रेलियन ओसाका, फ्रेंच बारबोरा, विंबलडन बार्टी, विंबलडन बार्टी. मैंने ऐसे ही याद किए हुए, ऑस्ट्रेलियन ओसाका, फ्रेंच बारबोरा, विंबलडन बार्टी, ऑस्ट्रेलियन ओसाका, फ्रेंच बारबोरा, विंबलडन बार्टी. पॉइंट क्लियर है? तो ये हो गए आपके पास पॉइंट सर. वुमेन्स, वुमेन्स, मेंस और वुमेन्स अगर आपने कवर कर लिया, 80% टास्क विल बी कंप्लीटेड, 80% टास्क विल बी कंप्लीटेड अगर आपने मेंस एंड वुमेन्स कंप्लीट कर लिया. आफ्टर दैट देन यू कैन मूव टुवर्ड्स दिस. वंस यू विल कंप्लीट द फर्स्ट टू गाइस, देन ओनली मूव टुवर्ड पॉइंट नंबर 3. पहला दूसरा हो जाएगा, देन यू कैन मूव टुवर्ड पॉइंट नंबर 3. फिलिप एंड डोडिक, फिलिप डोडिक, निकोलस, निकोलस हुजस और हार्बर्ट, निकोलस हार्बर्ट भी याद कर सकते हो. जस्ट पिक वन वन वर्ड, निकोलस हार्बर्ट फ्रेंच एंड निकोला पैविक विंबलडन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो रीसेंट वन, यहां लगा लो 3 स्टार, यहां पर लगा लो 3 स्टार और यहां पर लगा लो 3 स्टार. These are most important. Wimbledon पूरा complete करना है, यह सबसे important होगा. Wimbledon सबसे important होगा, ठीक है. Now Wimbledon मैंने already आपके साथ detail discuss कर लिए हैं, तो अब जरूरत नहीं है कि आपके साथ discuss किया जाए ये सारी चीजें. ये PDF में available होगा guys, you can take it out from the PDF. PDF will be available in the description. Description से PDF ले लेना तो आपको mixed double, वुमेन्स डबल, मेंस डबल का डिटेल्स मिल जाएगा. आई टोल्ड यू दैट विंबलडन रीसेंट वाला विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रीसेंट वाला विंबलडन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर, अपॉइंटमेंट्स पर. आई विल कम बैक टू द स्क्रीन. कल हो गया जी, बिल्कुल कल हो गया है, आज हमने रिविजन कर लिया बढ़िया से. चलिए, टाइम भी हो गया है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, टाइम भी हो गया है, बिल्कुल याद नहीं रहता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया री अपॉइंटेड श्याम श्रीनिवासन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक इफेक्टिव फ्रॉम 23rd of September 2021. से इनको अपॉइंट किया गया फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स. फेडरल बैंक हेडक्वार्टर इज अलुवा केरला. सेकेंड पॉइंट पकड़ लो, यूथोफिया, यूथोफिया, इथोफिया, नॉट यूथोफिया, इथोफिया ruling prosperity party on 10th of July was declared the last month national election, and Mr. Abiy Ahmed became the prime minister of the country for another 5 years. Agle 5 saal ke liye Abiy Ahmed will be the prime minister of Ethiopia. Ethiopia कैपिटल इज एडिस अबाबा एंड बिर इज द करेंसी. कैपिटल करेंसी गाइस इंपॉर्टेंट होगा, कैपिटल करेंसी. एडिस अबाबा इज द कैपिटल, बिर इज द करेंसी. मिस्टर इबे अहमद इज द प्रेसिडेंट, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया फॉर अनादर 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों के लिए. MCQs आज भी हमारे कुछ रह गए. मैं कितना भी कोशिश करूं, इतने सारे न्यूज होते हैं ना और डिटेल्स हमारे पास होते हैं कि 9 बज जाता है. कब 8 बजे स्टार्ट करते हैं और 9 बज जाता है.
चलिए मिलते हैं कल आपसे सेशन में गाइस. आई विल बी मीटिंग यू बैक टुमारो मॉर्निंग इन TNA. PDF विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी यू कैन फाइंड मी ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो. आदित्य सर GA Genius सर्च कर लेना. आई विल बी देयर. यू विल बी एबल टू फाइंड मी विद द हेल्प ऑफ दिस. GA Genius सर्च कर लेना, ठीक है. टेलीग्राम पर जाकर GA Genius सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा मैं आपसे. चलिए मिलता हूं आपसे कल TNA में. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल अबाउट. जय हिंद. उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया खबर है. यूपी सरकार ने यूपी ट्रिपल SC PET एग्जाम के द्वारा बंपर भर्तियां अनाउंस करी हैं. और अगर आपका भी सपना उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी के रूप में काम करने का है, तो आपकी सहायता के लिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ऑलबोर्ड आपके लिए लेकर आया है यूपी ट्रिपल SC PET 2021 बैच. इस बैच में आपको मिलेंगे 120 प्लस लाइव क्लासेस, 10 प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशन और 15 से ज्यादा डाउट क्लियरिंग सेशन. ये बैच आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में पूरी सहायता कर सकता है. तो आज ही ज्वाइन करें ऑलिपोर्ट. हाय गाइस, वी आर कमिंग अप विद अ न्यू कोर्स फॉर अपकमिंग पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस फॉर दिस एग्जामिनेशन. यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू 150 प्लस video lectures for the concept building. There will be 35 plus live sessions and a two-way interaction between the students and the faculty. There will be strategy sessions for each of the sections. Also, you will be getting the access to current affairs recording from April 2021. Apart from these, what else do you get? You get 5 All India mock tests for the entire syllabus. What are you waiting for? Join now. PSCB Clerk Selection Batch 2021.